उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां न सिर्फ शुरू कर दी हैं, बल्कि इसे तेज भी कर दिया है। सभी का मकसद मिशन 2022 में जीत हासिल करना है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी अहम खबर आपको बताएंगे, इसकी शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले मिलती रहें। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर नई दिल्ली से है, जहां मानसून सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष सोमवार को लेकर आएगा स्थगन प्रस्ताव। बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पूर्व रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान किसान, महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। हालांकि सरकार ने भी कहा है सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए वह तैयार है। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता भी की। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रुझाने के लिए ब्राह्मण सभा का आयोजन करेंगी। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गया था और एक तरफा ओर देकर भाजपा की सरकार बनवा दी, लेकिन अब वो पछता रहा है। सब जानते हैं कि उन पर इस सरकार में कितनी ज्यादती हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ जोड़ने के लिए वह 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, ब्राह्मण वोटरों को किसी भी तरीके से रिझाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता फिसलते देख अब बहकाने के नए नए तरीके तलाश रही है भाजपा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव सपा, लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद तीनों की सुरक्षा के लिए लड़ेगी और भाजपा की तानाशाही व्यवस्था को रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हाथ से सत्ता फिसलता देख हताश और निराश है। ऐसे में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके तलाश रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पास गिराने के लिए एक भी योजना नहीं है, प्रशासन पर उसकी पकड़ न होने से हर मोर्चे पर विफलता ही मिली है। हवाई वादों और कागजी सफलता के प्रचार से जनता अब ऊब चुकी है। वहीं अपने 3 दिवसीय दौरे पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा है कि 2022 चुनाव जीतने के लिए उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता बिना रुके बिना डरे 24 घंटा काम करें। बता दें कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे काम करने का लक्ष्य तय करना होगा और मजबूती के साथ मिलकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए बिना रुके लक्ष्य निर्धारित करें और किसी के साथ ना तो डरना है और लगातार आगे बढ़ना है, तभी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात करने SGPGI पहुंचे, जहां उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा के सभी घोषित पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि मातृशक्ति कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करेंगी। वहीं भाजपा ने यूपी छोड़ने के बयान पर मनोहर राणा को आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मनोहर राणा दूसरा राज ढूंढे क्योंकि योगी की वापसी तय है। बता दें कि मनोहर राणा ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो वह राज्य छोड़ देंगे और यह मान लेंगे कि यह राज्य मुसलमानों के रहने लायक नहीं है। मनोहर राणा ने ओबीसी की पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि भाजपा और AIMIM दोनों एक दूसरे के खिलाफ सिर दिखाने के लिए चुनाव लड़